अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा ये चैनल MM आसिफ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस तरह बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बने बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, यह है हमारे पास एक क्रम्पिंग मशीन जिसका आज हम इस्तेमाल देखेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती है। इसको मैं मुकम्मल आपको इसके साथ लग्स प्रेस करके भी दिखाऊंगा। केबलों के तीन केबलें आज हम इसके साथ प्रेस करेंगे, जिसमें एक 300 mm की, 120 mm की और 35 mm की। ये क्रम्पिंग मशीन है, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस मशीन है हमारे पास, और ये है इनकी डाइयें। कम से कम ये 14 से शुरू होती है और 300 केबल तक हम इसको प्रेस कर सकते हैं, जिसमें कॉपर भी प्रेस कर सकते हैं। कॉपर के लक्स, एल्युमिनियम के लक्स, ये दोनों प्रेस करेगी। उसके बाद अगर आपकी केबल एल्युमिनियम की है या कॉपर की है तो ये इंशाल्लाह उस पर वर्क करेगी। तो हम इसका आज इस्तेमाल मुकम्मल देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड 35 वीडियो हैं, आप उनका विज़िट कीजिए। क्योंकि मैं सऊदी अरब में होता हूँ, हमारे पास इस तरह के जदीद टूल्स, जदीद काम है, तो मेरा मकसद है आपको नई नई चीज़ें दिखाना और इनके मतलब आपको बताना ताकि आप इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 300 यानी कि 300 mm की केबल, तो ये देखिए, ये अब हमारे पास 300 की एक केबल है। तो ये देखिए, ये हमने इसके अंदर जो हमने डाई लगाई हैं वो भी 300 की हैं। जितने mm की केबल, जितने mm का हमारा लक्स होगा उतने mm के हम इसमें डाई लगाएंगे। प्रेस कर दिए, देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये प्रेस हो चुकी है। और हम अब इसके बाद इसको हम चेंज करेंगे। चेंज इसलिए करेंगे कि अब हम जो इसको प्रेस करेंगे वो है 120 mm की केबल और 120 mm का लग्स। ये देखिए, ये हमने केबल में लग्स लगा रखा है इस क्रम्पिंग मशीन के साथ। अब हम इसको प्रेस करके दिखाएंगे कि ये कैसे प्रेस होता है। ये देखिए, अगर जब हम इसको मुकम्मल प्रेस कर लेंगे तो उसके बाद हम इस तरह इसको एक साइड को घुमाएंगे तो ये बटन पे आ जाएगा। तो जैसे इसको दबाएंगे तो जो पीछे जो हाइड्रोलिक बाहर आता है वो पीछे चला जाएगा और हम इसके अंदर बाहर केबल निकाल लेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास है 35 का लक्स, और ये हमारे पास 35 की एक वायर है। ये कॉपर का लक्स है और कॉपर की वायर है। तो ये हमारे पास जो आप देख रहे हैं 35 की कॉपर, 35 लिखा हुआ है यहाँ, ये डाई है हमारी। इसको हम अब दोबारा चेंज करेंगे इसके अंदर
क्लंपिंग मशीन में इनको लगाएंगे। वो पहले जो लगाई थी 120 mm की वो हमने निकाल ली है, उसके बाद ये हमने इसके अंदर लगा दी 35 mm की। अब हम इस केबल को, ये देखिए ये लगा दिया, अब हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए ये ज़बरदस्त तरीके से ये पंच हो चुकी है, ये प्रेस हो चुकी है हमारी केबल। ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर ये आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ ये हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी।